विश्व हिंदू परिषद द्वारा 25 नवंबर को अयोध्या में आयोजित धर्म सभा में सम्मिलित होने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं का जत्था बजरंग दल के सह प्रांत संयोजक दुर्देश त्रिपाठी के नेतृत्व में गोरखपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बजरंग दल के सह प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, छोटी बड़ी गाड़ियां और 200 मोटरसाइकिलों का जत्था हम लोग का अभी निकलने के लिए तैयार है। कुछ लोग निकल भी चुके हैं। यह एक संदेश है हिंदू जनमानस की तरफ से कि हिंदू जनमानस अपने भगवान श्री राम की भव्य मंदिर राम जन्मभूमि पर चाहता है और इसके लिए वो किसी भी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगा। आगे वहां पर संतों का मार्गदर्शन हम लोग को मिलने वाला है। संत उसके बाद जो भी कहेंगे, संत समाज के ही आग्रह पर पूरा हिंदू समाज चलता है। संत समाज जो भी हम लोग को आदेश देगा उसका पालन हम लोग आगे करेंगे। राम लला के कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है, हमारा यही एक निवेदन है और इस धर्मसभा का कहने का मतलब यही एक निवेदन है कि कोटि कोटि हिंदुओं के आत्मसम्मान के प्रतीक भगवान श्री राम के लिए निर्णय के लिए इतना समय क्यों लिया जा रहा है। कोर्ट आखिर इतने समय से लंबित मामले को क्यों नहीं जल्दी सुनवाई कर दे रहा है।
इसलिए हम लोग इस धर्म सभा के माध्यम से जो संत आदेश देंगे और कोर्ट का निर्णय का हम लोग इंतजार करेंगे और निवेदन यही है कोर्ट माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कि जो जल्द से जल्द सुनवाई करके हमारे पक्ष में निर्णय करें। नहीं, अब ये तो कोर्ट का विषय है ना, लेकिन हिंदू जनमानस अब इंतजार करने के विषय मूड में नहीं है। उसको अब भव्य राम मंदिर केवल दिख रहा है। आप अभी अयोध्या में एक इंच की जगह नहीं बचने वाली हिंदुओं के, राम भक्तों से खाली नहीं रहने वाली। सरकार क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी आज के में संत जो हमारा निर्णय करेंगे, हम संत का निर्णय मानेंगे, हम सरकार और उससे नहीं, हम संतों के निर्णय के आधार पर चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा आगे हम लोग मान्य होगा। अभी फिलहाल जो है हम लोग धर्मसभा के लिए जा रहे हैं, वहाँ जो संत निर्णय करेंगे हम लोग मान्य करेंगे।